नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिक लगातार बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बागियों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी। अब इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर बताया गया है कि सिंधे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। जी हां, केंद्र सरकार ने ये फैसला सिंधे गुट की अपील के बाद लिया है। शनिवार 25 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी। वही केंद्र सरकार से पहले एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र सरकार से भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी। हालांकि इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि विधायकों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। साथ ही जिन विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की गई है, वहां पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। इसी बीच निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी बागी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी। उन्होंने भी कहा था कि मौजूदा हालातों में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि अब हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें कि बागी विधायकों के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान अब तैनात होंगे। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच जिस तरह से केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को सीआरपीएफ जवानों के मुहैया करवाई है, जिस तरह से उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है, इसके बाद अब शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया रहती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।